हेलो फ्रेंड तो कैसे हो आप सभी स्वागत करते हैं आप सभी का युवा शक्ति जी कोज में तो फ्रेंड देखिए बिहार मध्य निश्चित सिपाही के लिए आज प्रैक्टिस सेट नंबर टू लेके आए हुए हैं जो कि आपको वीवीआई क्वेश्चन करवाया जा रहा है इस प्रैक्टिस शीट में और टारगेट लिया गया आपके एग्जाम को जिसमें कि फिफ्टी क्वेश्चन आपको डेली दिया जाता है हर सब्जेक्ट को मैंशन करके जो जनरल अवेयरनेस का सेक्शन है तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस प्रैक्टिस सेट को प्रैक्टिस सेट को आप शुरू से, से अंत तक जरूर सॉल्व कीजिएगा और लास्ट में बताइए कितने क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं जो चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटे को प्रेस कर लीजिएगा आप सभी और आपसे को बताना चाहते हैं जो भी अभी तक ई बुक को डाउनलोड नहीं किए तो जरूर कर लीजिएगा क्योंकि समय आपके पास कम है आठ प्लस क्वेश्चन शामिल करके एक ई बुक को लॉन्च किया गया है बगल में फ्लासवरा आप सभी देख सकते हैं काफी दमदार बुक है कम समय में तैयारी करने के लिए बेहतरीन बुक है जनरल अवेयरनेस के लिए जिसमें कि जीके जीएस को कवर किया गया हिस्ट्री जोग्राफी पोलिटी इकोनॉमी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो हर सब्जेक्ट को मैंशन किया गया है तो चलिए शुरू करते हैं आइए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे फर्स्ट क्वेश्चन ये बन रहे अपना कि द्रवों में सतह पर कणों के एक छोटे से भाग की होती है अगर इन सेट में किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता हो तो अपना आंसर आप सभी नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे अधिक गतिज ऊर्जा होती है फ्रेंड ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर क्वेश्चन क्लियर है क्या होती है अधिक गतिज ऊर्जा होती है हर क्वेश्चन को क्लियर करते चलेंगे आप सभी अगला क्वेश्चन कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर टू क्वेश्चन नंबर टू ये बन रहे निम्नलिखित में से राज्यसभा में से किस राज्य के सबसे अधिक प्रतिनिधि हैं चलिए आपसे बताएंगे किस राज्य के सबसे अधिक प्रतिनिधि हैं राज्यसभा में ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है चलिए आपसे राइट आंसर बताएंगे तो जो भी ऑप्शन नंबर ए को टिक कर रहे बिल्कुल राइट आंसर है उत्तर प्रदेश राज्य का ध्यान रखिएगा आप सभी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर रहेंगे उत्तर प्रदेश राज्य का सबसे अधिक प्रतिनिधि है राज्यसभा में अगर फ्रेंड बात करें राज्यसभा के बारे में तो इसमें कुल 250 सदस्य ध्यान रखिएगा आप सभी और लोकसभा में लोकसभा में सदस्यों की संख्या कितना है तो पांच और वर्तमान में अभी 545 सदस्य लोकसभा में ध्यान रखिएगा आप आप सभी ये को आप सभी फैक्ट को नोट कर लीजिएगा अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्वेश्चन नंबर थ्री हाल ही में समाचारों में उल्लेखित प्रदर्शित ई टेडरिंग पोर्टल निम्नलिखित में से किस संस्था की एक पहल है राइट आंसर ऑप्शन भी हो जाएंगे ये पहल जो है फ्रेंड पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की पहल है ध्यान रखिएगा आप सभी ऑप्शन भी राइट आंसर रहेंगे किसकी पहल है तो पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड अगला क्वेश्चन कर लेते हैं वन नेशन वन राशन कार्ड योजना जिसका उल्लेख अक्सर समाचारों में किया जाता है निम्नलिखित में से किस मंत्रालय की एक पहल है चले बताएंगे आप सभी किस मंत्रालय की एक पहल है वन नेशन वन राशन कार्ड योजना राइट आंसर ऑप्शन भी हो जाएंगे केंद्रीय उपभोक्ता मामले खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय का ये एक पहल है ऑप्शन में भी राइट right आंसर ध्यान रखिएगा आप सभी क्वेश्चन क्लियर है अगला क्वेश्चन कर लेते हैं पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय कहां स्थित है फ्रेंड चले बताएंगे आपसे क्वेश्चन फाइव के लिए राइट आंसर क्या होगा पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय कहां है राइट आंसर ऑप्शन जबलपुर में ध्यान रखिएगा आप सभी पश्चिम मध्य रेलवे के बारे में अगर जब भी पूछे तो क्या मारना है जबलपुर मारना है उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहां है दिल्ली ध्यान रखिएगा उत्तर रेलवे का मुख्यालय नई दिल्ली में है आपका पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ पे है तो ये है आपका मुंबई में ध्यान रखिएगा आप सभी पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ है मुंबई में अगला क्वेश्चन कर लेते हैं क्वेश्चन सिक्स भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों की अवधारणा को डैश से लिया गया था फ्रेंड राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे यूएसएसआर से लिया गया था ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर रहेंगे ध्यान रखिएगा यूएसएसआर मतलब रूस से रूस देश के संविधान से लिया गया था ध्यान रखेगा मौलिक कर्तव्य को जो जोड़ा गया है फ्रेंड वो बयालीसवें संविधान संशोधन बयालीसवें संविधान संशोधन उन्नीस के तहत जोड़ा गया था जो कि सरदार स्वर्ण सिंह की अनुशंसा पर जोड़ा गया था यह संविधान के भाग चार में भाग चार को में रखा गया है और अनुच्छेद की बात करें अनुच्छेद की बात करें तो ये इक्यावन को में है तो याद रखिएगा आप सभी भाग की बात करें तो भाग चार को में अनुच्छेद की बात करें तो इक्यावन को में है किस संविधान संशोधन के तहत तो बयालीसवें संविधान संशोधन 1976 के तहत किसके अनुशंसा पे तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर किया गया था किस देश से लिया गया है रूस देश से तो ये तीन चार फैक्ट को आप सभी ध्यान रखिएगा अमेरिका से मौलिक अधिकार लिया गया है फ्रेंड अगला क्वेश्चन कर लेते हैं कृत्रिम गुर्दे किसके सिद्धांत पर संचालित होती है राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी जाएंगे डायलिसिस के सिद्धांत पर आधारित होती है अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर एट इनमें से कौन सी गैस उत्कृष्ट गैस नहीं है राइट आंसर ऑप्शन में जाएंगे हाइड्रोजन फिर हाइड्रोजन जो है यह एक उत्कृष्ट गैस नहीं है जबकि नियॉन हीलियम, ऑर्गन ये सभी क्या है ऑर्गन जो है फ्रेंड ये सभी क्या है एक उत्कृष्ट गैस है अगला क्वेश्चन कर लेते हैं क्वेश्चन नाइन इनमें से कौन सा कथन कोथनांग के संबंध में गलत है चलिए ऑप्शन को पढ़िएगा और आपसे भी बताएंगे इनमें से कौन सा कथन कोथनांग के संबंध में गलत है ऑप्शन पहला देखिए क्या दिए हुए ये एक तापमान है जिस पर तरल और वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है और ये तरल गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है तो ये बिल्कुल जो है कि कोथनांग के बारे में सत्य है यह अलग अलग उन्नत साओं पर अलग अलग होता है यह भी बिल्कुल सत्य है समान परिस्थितियों में पानी का कोथनांग 100 डिग्री सेल्सियस होता है यह भी सत्य है सत्य क्या नहीं है ऑप्शन नंबर डी ये क्या है गलत है उच्च उन्नत साओं पर आमतौर पर क्वनांग बढ़ता है यह बिल्कुल क्या है गलत है यह बिल्कुल असत्य कथन है जबकि ऑप्शन ए ऑप्शन बी ऑप्शन सी सत्य है अगला क्वेश्चन देख लीजिए इथेन में कार्बन परमाणुओं की संख्या कितनी होती है फ्रेंड राइट आंसर ऑप्शन में भी जाएंगे कुल दो संख्या होती है ध्यान रखिएगा इथेन में कार्बन परमाणु की संख्या कितनी होती है दो होती है अगला क्वेश्चन कर लेते हैं अगला क्वेश्चन ये बन रहे हैं एसीटाइल क्लोराइड किस कार्यात्मक समूह का एक उदाहरण है राइट आंसर ऑप्शन में भी जाएंगे एल्कोहल का उदाहरण है ध्यान रखिएगा किसका उदाहरण है एल्कोहॉल का उदाहरण है कौन एसिटाइल टाइल कोल राइट ध्यान रखिएगा ऑप्शन में बी राइट आंसर अगला क्वेश्चन कर लेते हैं निम्नलिखित में से किस गैस को मार्स गैस डेम फायर के रूप में भी जाना जाता है राइट आंसर ऑप्शन में ये हो जाएंगे मीथेन गैस को मार्स गैस भी कहा जाता है डेम फायर के रूप में भी इसे जाना जाता है अगला क्वेश्चन देख लीजिए राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे फ्रेंड चले बताएंगे आप सभी राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे राइट आंसर ऑप्शन में ये हो जाएंगे विश्वनाथ आनंद थे देखिए विश्वनाथ आनंद को सबसे पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था अगला क्वेश्चन देख लीजिए अगला क्वेश्चन यह बन रहे कि राजा हर्षवर्धन ने अपने भाई डैश की मृत्यु पर थानेश्वर और कन्नौज की गद्दी संभाली थी राइट आंसर ऑप्शन में जाएंगे राज्यवर्धन की मृत्यु पर जो है कि हर्षवर्धन ने थानेश्वर और कन्नौज की गद्दी को संभाली थी अगला क्वेश्चन देख लीजिए डैश चौथी शताब्दी पूर्व में मगध की राजधानी थी फ्रेंड तो चौथी शताब्दी पूर्व में मगध की राजधानी कहां थी तो यह थी राजगीर में ऑप्शन में भी राइट आंसर रहेंगे क्वेश्चन क्लियर रहें। है ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे फ्रेंड कहां पे थी राजगीर में अगला क्वेश्चन कर लेते हैं अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि ग्रहों के वैज्ञानिक चंद्रमा के चारों ओर पतले गैसीय लिफाफे को डैश कहते हैं राइट आंसर ऑप्शन में डी हो जाएंगे लूनर एक्सो स्फियर कहा जाता है फ्रेंड ऑप्शन मंडी आंसर आंसरेंगे अगला क्वेश्चन देखिए भारत में वैदिक सभ्यता डैश नदी के किनारे विकसित हुई थी फ्रेंड तो देखिए भारत में जो वैदिक सभ्यता जो विकसित हुई थी फ्रेंड वो सरस्वती नदी के किनारे में विकसित हुई थी तो याद रखेगा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कई बार पेपर में पूछे जा चुके हैं सरस्वती नदी के किनारे में भारत में वैदिक सभ्यता विकसित हुई थी क्वेश्चन क्लियर है भुलाइएगा नहीं आप सभी अगला क्वेश्चन देख लीजिए गुजरात में डैश झील एक कृत्रिम जल था जिसे मौर्यों के शासन के दौरान बनाया गया था फ्रेंड मौर्य वंश के शासन के दौरान बनाया गया था वो कौन सा झील है तो देखिए सुदर्शन झील ऑप्शन में ए राइट आंसर रहेंगे सुदर्शन झील कहां पे है गुजरात राज्य में है जो कि मौर्य के शासकों के द्वारा बनवाया गया था जो कि एक कृत्रिम जलयाशय है अगला क्वेश्चन कर लेते हैं अगला क्वेश्चन ये बन रहे कि जीव विज्ञान में डैश दो जीवों के बीच का संबंध है जिसमें एक जीव लाभान्वित होता है और दूसरा अप्रभावित हो रहता है इस संबंध को हम सभी सभोजिता कहते हैं ऑप्शन में भी राइट आंसर आएंगे जीव विज्ञान में सभोजिता दो जीव के बीच का संबंध है जिसमें एक जीव लाभान्वित होता है और दूसरा अप्रभावित रहता है ऑप्शन में भी राइट आंसर है फ्रेंड अगला क्वेश्चन कर लेते हैं अगला क्वेश्चन ये बन रहे कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय ओलंपिक तरंदाजी और पदम श्री विजेता है ए राइट आंसर हो जाएंगे लिंबा राम। लिंबा राम जो है फ्रेंड ये भारतीय ओलंपिक तरंदाजी और पद्मश्री विजेता है अगला क्वेश्चन देख लीजिए चौदवे दलाई लामा डैस में रहते हैं तो ये जो रहते हैं फ्रेंड वो धर्मशाला में रहते हैं ऑप्शन में सी राइट आंसर देंगे अगला क्वेश्चन देख लीजिए निम्नलिखित में से कौन जम्मू और कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है चलिए बताएंगे इनमें से कौन जो है कि जम्मू कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेशों का एक लोक नृत्य नहीं है डांगी डांगी जो फ्रेंड ये जम्मू कश्मीर लोक नृत्य नहीं है बल्कि यह कहां का है हिमाचल प्रदेश का है हिमाचल प्रदेश का यह लोक नृत्य ध्यान रखिएगा इसके अलावा इसका लोक नृत्य डाफ याद रखिएगा आप सभी डाफ हिमाचल प्रदेश का है झाली हिमाचल प्रदेश का ही है और झोरा झोरा ये सभी लोक नृत्य जो है फ्रेंड ये कहां का है हिमाचल प्रदेश का है हफीजा धूमल और रऊफ ये सभी जम्मू कश्मीर का लोक नृत्य है अगला क्वेश्चन देख लीजिए भारत के संविधान का अनुच्छेद के उन्मूलन से संबंधित है तो अनुच्छेद सत्रह जो संबंधित है फ्रेंड वह अस्पृश्यता के उन्मूलन से संबंधित है छुआछूत से अगला क्वेश्चन देख लीजिए निम्नलिखित में से कौन एक जलते हुए कांच के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है ए राइट आंसर हो जाएंगे उत्तल लेंस का उपयोग जो है फ्रेंड वो जलते हुए कांच के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं अगला क्वेश्चन कर लेते हैं अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है ट्वेंटी फाइव नंबर निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक को अनुवंशिकी के पिता के रूप में जाना जाता है फ्रेंड चले बताएंगे इनमें से किसे अनुवांशिकी के पिता के रूप में जाना जाता है राइट आंसर ऑप्शन में जाएंगे ग्रेगर मेंडल को फ्रेंड ग्रेगर मेंडल को जो है कि अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है अगला क्वेश्चन देख लीजिए एक पुर्तगाली खोजकर्ता वास्को डिगामा ने भारत में समुद्री मार्गों की खोज डेस में की थी फ्रेंड तो फ्रेंड आपको पता होंगे वास्को डिगामा जो है ये पहली बार भारत और यूरोप के बीच समुद्री मार्गों की खोज की थी और ये सबसे पहले कोचिन पहुंचे थे राजा जेमोरी ने इसका स्वागत किया था तो ये कब पहुंचे थे चौदह में ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर आएंगे ध्यान रखिएगा आप सभी अगला क्वेश्चन देख लीजिए टीपू सुल्तान और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मंगलोर की संधि पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए थे राइट आंसर ऑप्शन में सी जाएंगे सत्रह में फ्रेंड सत्रह चौरासी ईस्वी में टीपू सुल्तान और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में कौन सी संधि हुई थी मंगलोर की संधि हुई थी ध्यान रखिएगा आप सभी अगला क्वेश्चन कर लेते हैं इनमें से किस वर्ष में पूना संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे उन्नीस में फिर 1932 में पूना संधि पर हस्ताक्षर हुआ था अगला क्वेश्चन कर लेते हैं अगला क्वेश्चन ये बन रहे वेबगत के सिद्धांत की नीति किसने पेश की थी चलिए बताएंगे आपसे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा वेबगत के सिद्धांत की नीति को किसने पेश की थी फ्रेंड तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे लॉर्ड डलहौजी ने किसने की थी लॉर्ड डलहौजी के द्वारा किया गया था अगला क्वेश्चन देख लीजिए भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म जाति लिं लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव पर रोक लगाता है चलिए बताएंगे इनमें से कौन सा अनुच्छेद जो फेन्ड धर्म जाति लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव पर रोक लगाता है अनुच्छेद पंद्रह अनुच्छेद पंद्रह जो फेंड यह सभी पर भेदभाव पर रोक लगाता है अगला क्वेश्चन कर लेते हैं अगला क्वेश्चन ये बन रहे हैं आधुनिक ओलंपिक स्वर्ण पदकों का मुख्य सॉरी प्रमुख घटक है चांदी ऑप्शन में सी राइट आंसर रहेंगे आधुनिक ओलंपिक स्वर्ण पदकों का प्रमुख घटक जो है वो चांदी है अगला क्वेश्चन देख लीजिए हर्ष रचित्र कन्नौज के शासक हर्षवर्धन की जीवनी है जो उनके दरबारी कवि द्वारा संस्कृत में रचित है अगर आम भाषा में कहा जाए कि हर्ष रचित्र जो है इसके रचयिता कौन थे राइट आंसर ऑप्शन में भी जाएंगे वान भट्ट वान भट्ट के द्वारा फ्रेंड हर्ष रचित्र पुस्तक के रचयिता थे जो कि हर्षवर्धन की जीवनी थी अगला क्वेश्चन देख लीजिए अगला क्वेश्चन ये बन रही कि डैस एक्सपेंशन गर्मियों के दौरान एफिल टावर को लंबा बनाता है तो ये कौन बनाता है थर्मल बनाता है बी राइट आंसर रहेंगे अगला क्वेश्चन देख लीजिए बिरजा मंदिर रानी मंदिर समलेश्वरी मंदिर ये सभी डैश में स्थित है ये सभी मंदिर किस राज्य में स्थित है फ्रेंड तो देखिए ये सभी जितने भी मंदिर हैं ये सभी उड़ीसा राज्य में हैं ऑप्शन में बी राइट आंसर रहेंगे ध्यान रखिएगा आप सभी बिरजा मंदिर रानी मंदिर और समलेश्वरी मंदिर से ये सभी जो हैं वो हैं। कोशन है वो उड़ीसा राज्य में है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्टी फाइव क्वेश्चन नंबर थर्टी फाइव ये बन रहे कि चौथी शताब्दी पूर्व में मगध की राजधानी को डैश में स्थानांतरित कर दिया गया था राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे पाटिल पुत्र में स्थानांतरित किया गया था फ्रेंड अगला क्वेश्चन कर लेते हैं अगला क्वेश्चन ये बन रहे कि डैस का गोल गुंबद मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है जो स्थित है तो देखिए बीजापुर का गोल गुंबद जो है जो कर्नाटक में स्थित है ये क्या है आदिल शाह का मकबरा है मोहम्मद आदिल शाह का कहां पे है बीजापुर में है जो कि कर्नाटक में पड़ते हैं अगला क्वेश्चन कर लेते हैं मांग में कमी और आपूर्ति में वृद्धि का संतुलन मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे संतुलन मूल्य में कमी आएगी फ्रेंड ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे देखिए आपसे को बताना चाहते हैं जो भी बिहार मध्य से सिपाही की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए स्पेशल 800 क्वेश्चन का एक ई बुक लॉन्च किया गया है जिसमें कि हिस्ट्री जोग्राफी पोलिटी इकोनॉमी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो हर सब्जेक्ट को मेंशन किया गया है काफी सेलेक्टेड क्वेश्चन है सारा वन लाइनर क्वेश्चन है कम समय में तैयारी करने के लिए परफेक्ट ई बुक है अगर इस ई बुक को पढ़ लीजिएगा तो काफी स्कोर करने में आपको मदद करेगा तो आपसे जरूर डाउनलोड करके की रिवाइज कीजिए लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है काफी मेहनत के साथ में इस ई बुक को तैयार किए बगल में फलस हो रहा है आप सभी देख सकते हैं काफी दमदार बुक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे तो क्लियर है संतुलन मूल्य में कमी आएगी ऑप्शन में ए राइट आंसर रहेंगे अगला क्वेश्चन कर लेते हैं उत्पादन के साधनों का निजी स्वामित्व एक डैश अर्थव्यवस्था की विशेषता है फ्रेंड तो यह किसकी विशेषता है पूंजीवादी की विशेषता है ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर आंसरेंगे ध्यान रखिएगा किसकी विशेषता है पूंजीवादी की विशेषता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे अगला क्वेश्चन कर लेते हैं अंतरनुक हाइड्रोजन है बंद कब बनता है ये तब बनता है जब हाइड्रोजन परमाणु दो अधिक विद्युत ऋणात्मक परमाणुओं के बीच होता है तब अंतर्नुक हाइड्रोजन बंद बनता है फ्रेंड अगला क्वेश्चन कर लेते हैं भारत में व्हाट्सएप एक विकल्प के रूप में शुरू किया गया इंस्टेट मैसेजिंग एप का नाम निम्नलिखित में से क्या है तो इसे संदेश कहा जाता था ध्यान रखिएगा इसका नाम क्या था संदेश नाम था अगला क्वेश्चन देख लीजिए कैलाश मानसरोवर भवन कहां स्थित है कैलाश पर्वत तिब्बत में है कैलाश मानसरोवर भवन ये कहां पे है उत्तर प्रदेश में है ऑप्शन में सी राइट आंसरेंगे ध्यान रखिएगा आप सभी अगला क्वेश्चन कर लेते हैं फ्रेंड अगला क्वेश्चन है 42 नंबर विश्व व्यापार संगठन डब्ल्यू के महानिर्देशक रॉबर्टो अजय वेदो के बाद पदभार कौन संभालेगा राइट आंसर ऑप्शन में ए हो जाएंगे ओकोनेजो इवेला जोफेन इसका पदभार को संभालेगा ऑप्शन में ए राइट right आंसर रहेंगे अगला क्वेश्चन कर लेते हैं कैल्शियम सल्फेट डायहाइड्रेट को आमतौर पर डैस के रूप में जाना जाता है राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी जाएंगे जिप्सम के रूप में जाना जाता है फ्रेंड ऑप्शन नंबर डी राइट right आंसर रहेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे ध्यान रखिएगा आप सभी अगला क्वेश्चन कर लेते हैं इनमें से कौन भारत के आर्थिक सर्वेक्षण को प्रकाशित करता है फ्रेंड डी राइट आंसर हो जाएंगे वित्त मंत्रालय के द्वारा आर्थिक सर्वेक्षण को प्रकाशित किया जाता है कहां पे भारत में अगला क्वेश्चन कर लेते हैं वैन सांग यात्रियों के राजकुमार के रूप में प्रतिष्ठित राजा डैश के शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया था देखिए वैन सांग जो थे फ्रेंड वो चीनी यात्री थे जो कि बौद्ध भिक्षु थे लगभग पंद्रह साल भारत में रह के बौद्धों का अध्ययन किया था और ये जो आया था वो हर्ष के शासन काल में आया था ऑप्शन नंबर डी राइट देंगे अगला क्वेश्चन कर लेते हैं एक अश्वशक्ति लगभग डैश वाट है तो एक अश्व शक्ति बराबर कितना होता है सात सौ छियालीस होता है फ्रेंड ऑप्शन नंबर डी राइट देंगे ध्यान रखिएगा कितना होता है सात सौ छियालीस अगला क्वेश्चन कर लेते हैं कीरी बात डैश का चावल से बना एक व्यंजन है तो कीरी बात श्रीलंका का चावल से बना एक व्यंजन है कहां का है श्रीलंका का है अगला क्वेश्चन देख लीजिए डैश अर्थव्यवस्थाओं में सभी उत्पादक संसाधन सरकार के स्वामित्व और नियंत्रण में होते हैं सी राइट आंसर हो जाएंगे समाजवादी होते हैं फ्रेंड ध्यान रखिएगा आप सभी क्या होते हैं समाजवादी अगला क्वेश्चन देख लीजिए अगला क्वेश्चन ये बन रही कि इनमें से कौन एक प्रसिद्ध कवाली गायक था चले बताएंगे आप सभी इनमें से कौन एक प्रसिद्ध कवाली गायक था फ्रेंड राइट आंसर ऑप्शन में भी हो जाएंगे नुसरत फतेह अली खा था कौन था नुसूरत फतेह अली खां ऑप्शन में भी राइट आंसर हेगे अगला क्वेश्चन देख लीजिए दुनिया का सबसे ऊंचा पोलो मैदान पाकिस्तान में स्थित है राइट आंसर ऑप्शन में भी जाएंगे सांदूर सांदूर पोलो मैदान जो है यह कहां पे है पाकिस्तान में स्थित है ऑप्शन में भी राइट आंसर हो जाएंगे चलिए आज का ये लास्ट सवाल है जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है एशिया का सबसे बड़ा थोक मसाला बाजार डेस में स्थित है चार ऑप्शन आपके स्क्रीन पे हैं चार ऑप्शन में आपको अपना आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है तो चलिए आज कितना ही आज के इस सेट में हम सभी कुल पचास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर किए हैं जो आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट था सारे सेलेक्टेड क्वेश्चन ही आपको कवर करवाए हैं तो चलिए आज के ये क्लास कैसा लगा आप सभी को नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा अगर आज के क्लास अच्छा लगा हेल्पफुल लगा हो तो क्लास को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा आप सभी